अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम यासिर है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल साइंटिफिक कोचिंग। साइंस क्या है कोचिंग है, उस वाले से मैं गाइड कर रहा हूँ आपको। और आज का जो टॉपिक है लैग्रेजेस इन यू शेप विद स्विस बॉल, यू शेप में लैग्रेजेस करनी है स्विस बॉल के साथ, कैसे करनी है वो मैं बताऊँगा आज आपको। साइड प्लैंक होल्ड करना है स्विस बॉल के साथ। साइड प्लैंक होल्ड स्विस बॉल के साथ कैसे होगा मैं वो आपको बताऊँगा आज। पहले साइड प्लैंक होल्ड मैं बताता हूँ स्विस बॉल के साथ। आज चलते हैं इसी तरह। गाइज, एक तो ये दोनों शूज़ के दोनों पाँव के दरमियान में बॉल फंसाना है, ठीक है। ये जो जॉइंट है शोल्डर जॉइंट है, ये जो आपका आर्म है ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। आपको बाइसेप बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री के एंगल पे, 90 डिग्री का एंगल परफेक्ट और सेफ एंगल है। अगर ये आउट होगा, आउटसाइड होगा या इनसाइड होगा तब इस बॉडी लिफ्ट नहीं कर सकेंगे आप। अगर ये स्ट्रेट होगा तब आप बॉडी भी लिफ्ट कर सकेंगे। अब आपने ये स्ट्रेट कर लिया, एक हाथ ऊपर है और ऐसे आपने बॉडी लिफ्ट करनी है। ब्रीदिंग लेते रहनी आपने। गाइस, ब्रीदिंग आपने नॉर्मल लेनी है, ब्रीदिंग होल्ड नहीं करनी, ठीक है। बॉडी पोस्चर स्ट्रेट रखना है ऐसे। टाइम नोट करना है, टाइम 15 सेकंड होते हैं स्टार्ट में, 10 सेकंड होते हैं। दोनों साइडों पे सेम आपने टाइमर लगाना है, ठीक है। दोनों साइडों पे साइड चेंज कर लेनी है, दोनों साइडों पे सेम पाँव में बॉल फंसा के इस तरह से होल्ड करना है। बॉडी अगर मूव हो भी रही होगी आपने उसको स्टेबल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये कोर वर्कआउट है। ये ओब्लिक्स की एक्सरसाइज है साइड्स की, और इसमें इसमें क्या होता है, एक तो ये साइड्स की एक्सरसाइज है, इसके अंदर आपके कोर मसल एंगेज है। कोर मसल कौन से एंगेज है? एल्बो के जॉइंट का कोर, ठीक है, शोल्डर जॉइंट का कोर, हिप जॉइंट का कोर, नी जॉइंट का कोर, एंकल जॉइंट का कोर और ओब्लिक्स मसल है। ये सारी मसल्स जो है ना ये एंगेज है एक एक्सरसाइज के दरमियान, इसलिए ये टफ भी है और इसलिए इसका टाइम पीरियड भी शॉर्ट होगा। अब जब मैंने साइड चेंज करनी है तो मैंने साइड ऐसे चेंज करनी है, फिर दोबारा मैंने बॉल पाँव के दरमियान में रखना है, बाजू बिल्कुल स्ट्रेट है। अब मैंने इजीली बॉडी लिफ्ट कर ली, ब्रीदिंग नॉर्मल में रखनी है। लेकिन अगर बाजू टेढ़ा होगा तो बॉडी लिफ्ट नहीं हो सकेगी, अगर लिफ्ट हो भी जाएगी तो फिर स्ट्रेन पड़ेगा शोल्डर पर। दोनों साइडों पे टाइम ड्यूरेशन सेम होना चाहिए। अगर इस साइड पे 15 सेकंड किए, इस साइड पे 20 सेकंड नहीं करना, इस साइड पे भी 15 सेकंड करना है। दोनों साइड्स को सेम स्ट्रेंथ पे लेके जाना है ताकि दोनों एक जैसे स्ट्रेंथन हो। ऐसा ना हो अगर आप टाइम पीरियड एक में ज़्यादा लगाएंगे, एक दूसरी साइड पर कम लगाएंगे तो ये हमेशा दोनों साइडें अनबैलेंस रहेंगी, तो इसको अनबैलेंस नहीं रहने देना। अब मैं आपको बताता हूँ लेग रेजेस इन यू शेप विद स्विस बॉल कैसे करना है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें भी आपने पाँव में बॉल फंसाना है ऐसे, हिप्स के नीचे हाथ रखना है, पाँव में बॉल फंसाया और ये लेग रेजेस करनी है यू शेप में। बॉल को स्लिप नहीं होने देना अपने पाँव से। हाथ हिप्स के नीचे रखने हैं, अगर हाथ बैक के नीचे होंगे ना तो बैक पे स्ट्रेन पड़ना शुरू हो जाएगा। इसकी जो साइंटिफिकली मैं आपको बता रहा हूँ जो तरीका है वो ये है, जब लेग रेजेस करनी है हिप्स को लिफ्ट नहीं करना, हिप्स लिफ्ट किए बगैर जहाँ तक लेग्स आ रही हैं ऐसे, फिर फ्लोर के पास है ऐसे। जब हिप्स लिफ्ट होना शुरू हो जाएगी, एयर में होना शुरू हो जाएगी, तब बैक पे स्ट्रेन पड़ना शुरू हो जाएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एप्स की सीरीज़ की एक दो एपिसोड्स आएंगी और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो एक बिगिनर है वो जिम में आता है वो क्या करे, जिम में आके कैसे वर्कआउट करे, उसका प्रॉपर वर्कआउट मैं डिज़ाइन करूंगा, मैं आपको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। डे वन वो क्या करे, डे टू क्या करे, डे थ्री में वो क्या करे, प्रॉपर वर्कआउट वो कितने दिन बाद शुरू करेगा, वो सारी डिटेल मैं बताऊँगा। थैंक यू सो मच।